जैसे कि नीम और एलोवेरा से बना हुआ इस फेस वॉश का उपयोग, जैसे कि अगर किसी के चेहरे पे पिंपल्स की समस्या है तो ये पिंपल्स की समस्या को ठीक करता है, और जैसे कि अगर किसी के चेहरे पे एक्ने की समस्या है तो उसे भी ठीक करता है। और या फिर हम कह सकते हैं, आपने देखा होगा जब किसी के चेहरे पे पिंपल्स या एक्ने की समस्या रहता है तब उसमें छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, उसमें पस निकलने लगता है, तब उस समस्या में ये फेस वॉश उपयोग किया जाता है। ये फेस वॉश दाग धब्बे कील मुहासे की समस्या को ठीक करता है। ये फेस वॉश पुराने से पुराना पिंपल्स और एक्ने की समस्या को ठीक करता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं नीम और एलोवेरा से बना इस फेस वॉश का उपयोग, आप अपने चेहरे पर किस प्रकार की दिक्कत, किस प्रकार की समस्या रहे तब आप ये फेस वॉश उपयोग कर सकते हैं। ये फेस वॉश लगाना कैसे होता है, इस फेस वॉश का साइड इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में आज हम आपको हिंदी में जानकारी देंगे। इस फेस वॉश का कोई भी साइड इफेक्ट होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में आज हम आपको हिंदी में जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स या फिर एक्ने की समस्या है, जैसे कि पिंपल्स या फिर एक्ने की समस्या काफ़ी दिन से, काफ़ी लंबे समय से आपके चेहरे पर लगातार होता रहता है, आप बहुत सारे क्रीम, बहुत सारे जेल लगा चुके होते हैं, उसके बाद में भी आपका जो चेहरा है उसमें एक्ने और पिंपल्स की समस्या होता रहता है, तब इन सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए नीम और एलोवेरा से बना हुआ फेस वॉश काफी अच्छा काम करता है। इन सारी समस्याओं को ठीक करता है। यह फेस वॉश काफी अच्छा फेस वॉश होता है। जैसे कि अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे की समस्या रहता है या फिर पिंपल्स हो जाने के बाद में अगर आपके चेहरे पर जो दाग धब्बे कील मुहासे की समस्या रहता है तो ये फेस वॉश इन सारी समस्याओं को जड़ से खत्म करने का काम करता है। जैसे कि जब किसी के चेहरे पे पिंपल्स या फिर एक्ने की समस्या हो जाता है तो उसमें आपको ये देखा गया है कि आपके चेहरे पर छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, ये दाने एक दाने से दो दाना, तीन दाना, पांच दाना, कभी कभी आपके पूरे चेहरे पर छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं पिंपल्स या फिर एक्ने की समस्या में। समस्या में ये फेस वॉश क्या काम करता है, जैसे कि जो आपके चेहरे पर पिंपल्स या फिर एक्ने की समस्या रहती है उसमें दाने के कारण आपके चेहरे पर सूजन की समस्या आ जाता है, लाली पड़ जाता है, तो ये इन सारी समस्याओं को ये फेस वॉश ठीक करने का काम करता है। और जैसे कि धूप के कारण अगर आपके चेहरे पर लालिमा की समस्या हो जाता है या फिर धूप के कारण आपके चेहरे पर रेडनेस की समस्या हो जाता है, आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि इसमें खुजली होने लगती है, आपके चेहरे पर सूजन के जैसा होने लगता है, चेहरा पे छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, चेहरा लाल लाल हो जाता है धूप के कारण, तब उस समस्या में भी ये फेस वॉश आप अपने चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं। ये फेस वॉश काफ़ी अच्छा फेस वॉश होता है। ये फेस वॉश आपके चेहरे पर दाग धब्बे की समस्या रहता है तो उसे ठीक करता है। जैसे कि अगर आप कहीं काम करते हैं, काम करने के कारण धूल या फिर किसी भी वातावरण के कारण अगर आपके फेस के स्किन पर किसी प्रकार का कोई संक्रमण हो जाता है तो उस संक्रमण को भी ये फेस वॉश किल करने यानी मारने का काम करता है, यानी उस संक्रमण को ठीक करने का भी काम ये फेस वॉश करता है। ये फेस वॉश काफ़ी अच्छा फेस वॉश होता है। ये फेस वॉश आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर या फिर आपके घर के आसपास किसी भी मेडिकल शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। ये फेस वॉश पिंपल्स और एक्ने जैसी समस्याओं को, पुराने से पुराना अगर पिंपल्स या फिर एक्ने की समस्या है तो उसे भी ये ठीक करने का काम करता है। जैसे कि गंदगी या फिर वातावरण के कारण अगर आपके फेस पर किसी भी प्रकार की समस्या रहता है तो इन समस्याओं को ये फेस वॉश ठीक करने का काम करता है, जिससे आपके चेहरे पर कोई भी संक्रमण ना हो। ये फेस वॉश काफ़ी अच्छा फेस वॉश होता है। और ये फेस वॉश क्या काम करता है, प्रदूषण को त्वचा के भीतर जाने से रोकता है। ये त्वचा को दाग धब्बे से ख़त्म करके त्वचा को नया जीवन प्रदान करने का काम ये फेस वॉश करता है। ये फेस वॉश आपके त्वचा में जो दुष्प्रभाव की समस्या रहता है उसे ठीक करने का काम करता है और आपके त्वचा को सुंदर और चमकदार बनाने का काम ये फेस वॉश करता है। और ये फेस वॉश अल्ट्रावायलेट से होने वाली समस्याओं को ठीक करने का काम, यानी अल्ट्रावायलेट समस्याओं जैसी समस्याओं को ये बचाने का काम करता है। और जैसे कि अगर आप धूप में रहते हैं या फिर धूप में काम करते हैं या फिर धूप में निकलते हैं उसके कारण आपके चेहरे पर जलन
के जैसा महसूस होता है या फिर जलन की समस्या होता है, रेडनेस सा आ जाता है चेहरे पर, जैसे ऐसा लगता है कि अकड़ा अकड़ा सा हो जाता है, चेहरा एकदम टाइट टाइट हो जाता है, तो इन सारी समस्याओं को ये फेस वॉश ठीक करने का काम करता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं ये फेस वॉश आपको अप्लाई कैसे करना है। जैसे कि ये फेस वॉश आप लगाने से पहले आप अपने उंगली में लेके आप अपने पूरे चेहरे पर अप्लाई करें। चेहरे पर आपको जैसे कि ये फेस वॉश 1 मिनट से लेकर 2 मिनट तक या 1.5 मिनट तक आप अपने पूरे चेहरे पर अप्लाई करें। उसके बाद में आप अपने चेहरे को पानी से धुलें। धुलने के बाद में आप अपने चेहरे को साफ कपड़े या फिर साफ तौलिया से पोछें। पोछने के बाद में आपको 10 से 15 मिनट धूप में नहीं निकलना होता है। जैसे कि अगर आप और कोई फेस वॉश या फिर और कोई क्रीम या फिर और कोई लोशन आप अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं, तब आप ये फेस वॉश उन सारी फेस वॉश के साथ में अप्लाई ना करें, नहीं तो आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। जैसे कि चेहरे पर रेडनेस आ जाएगा, चेहरे पर खुजली के जैसा होने लगेगा, चेहरे पर दाना सा हो जाएगा, चेहरा लाल हो जाएगा। तो आपको अदर कोई फेस वॉश या फिर क्रीम के साथ में ये फेस वॉश आपको यूज़ नहीं करना है। इसके अलावा यदि आपके फेस पर किसी प्रकार का कोई संक्रमण है या फिर किसी प्रकार का कोई रोग है, कोई समस्या है, तब आप एक बार अपने स्किन वाले डॉक्टर से जाके संपर्क करें, अपने समस्या अपनी दिक्कत परेशानी बताएं।